अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का भज्जी। घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ ये बहुत आसानी से बन जाता है। चलो हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। इसके लिए हमारे को होना है 1 कप बेसन, 1/2 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या राइस फ्लोर भी ले सकते हैं हम, 1/2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 ग्रीन चिल्ली को मैं रफली कुचल के रख लिया हम पे, 1/2 स्पून सॉल्ट होना है, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, 1 आलू होना है। चलो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बाउल में डाल लेके स्मूथ बैटर बना लेंगे इसका। बेसन का आटा, बेसन चल गया इसमें, और कॉर्नफ्लोर, बेकिंग सोडा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, सॉल्ट। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए भी हम इसका स्मूथ बैटर बना देंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं ऐड करना है, अगर एक साथ पूरा पानी ऐड कर दिया तो इसका बैटर लूज हो जाता। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए भी इसका बैटर बना लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना। इसका कंसिस्टेंसी इस तरह रहना। चलो बैटर तो बन गया, अब इसको एक साइड में रख देंगे हम। अब इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन चटनी, उसका प्रिपरेशन देख लेंगे। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर, 2 टमाटर को कट करके रख लिया मैं, पुदीना, 4 लहसुन के कलियां होना है, 2 हरी मिर्च को कट करके रख ली, इमली थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रहना है इमली, और 1/2 स्पून सॉल्ट। इन सबको एक बाउल में डाल के स्टोव पे रख देंगे, सिम पे रख देंगे। हाफ स्पून सॉल्ट डाल के पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, 2 स्पून पानी डाले थे इसमें बस हो जाएगा। ऑयल भी एकदम बहुत कम ऑयल, देखिए इतना सा, 1/2 स्पून ऑयल। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट ढक के बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसको 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे, टमाटर पूरे स्मूथ होने तक। अब इधर ऑयल को हीट करने के लिए रख देंगे हम। ऐशा मुल सब क्या बोल रहे थे? ऐशा के नमाज के बाद जल्दी सोना बोले थे ना, कई को खेल रहे तुम? ऐशा तुम वजू बनाए, नहीं भैया, जाके बना के आओ। तुम सोने के अदब भूल गए क्या? भैया मैं सोने के अदब से तो सही सीधा सोना। अच्छा मैं भी मुलसा को बोल दूंगी, है ना आयशा, सोने का अदब सीधा सोना है बोल रहे ए बोल तुम। नहीं नहीं भैया प्लीज, भैया दरअसल मैं भूल गई थी। चलो आयशा मैं आपको याद दिलाता, ठीक है भैया। ईशा के नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना और दुनिया के बातें नहीं करना, और बावजू सोना, और बिस्तर को 3 मरतबा झटक के सोना, और 3 खुल के सूरज 3-3 मरतबा पढ़ना, और तस्बीह में सुभान अल्लाह
33 times, अल्हम्दुलिल्लाह 33 times, अल्लाह अकबर 34 times पढ़ना और आयतुल कुर्सी पढ़ना, और सीधे हाथ की तरफ पलट के हमारा सीधा हाथ कल्ले के नीचे रख के सोना। हाँ ऐसे सोने की दुआ भी पढ़ना है। आपको सोने की दुआ आती? जी भैया। एक बार सुनो। अल्लाहुम्मा इसने काम दुआ दिया। माशाल्लाह ऐसा तुम अच्छा बोले। ये पूरा आलू को स्लाइसर के मदद से हम स्लाइस कर लेंगे। हमारा आलू पूरा स्लाइस हो गया। इसको हम बैटर में डिप करके एक एक करके फिर ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। एक एक आलू का स्लाइस लेके हम बैटर में डिप करके हॉट ऑयल में डाल देंगे इसको। इसको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना। रेनी सीजन और विंटर सीजन के ठंडे ठंडे क्लाइमेट में गरम गरम आलू के भजियों का बात ही अलग रहती है। इसको हम टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्या होता है, भजियों में क्रंचीनेस आती। इधर हमारा चटनी भी तैयार हो जा रहा। एक बार चटनी को चेक कर लेंगे। ऑलमोस्ट चटनी भी बन जा रही हमारी। इसको हम एक प्लेट में ले लेंगे। इसके गार्निशिंग के लिए हम थोड़े ग्राउंडनट्स को फ्राई कर लेंगे। इधर हमारा चटनी भी ठंडा हो जा रहा। उसको ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीस लेके चटनी के साथ भजियों को एंजॉय करेंगे। देखो फलियों को इस तरह फ्राई कर लेना है। इसके साथ साथ हमारे को गार्निशिंग के लिए होने वाली चीज़ें हैं प्याज, कुतमेर और एक लेमन। फलिया भी फ्राई हो गए। इसको प्लेट में डाल लेंगे, स्टोव बंद कर लें। अब इन सारे चीज़ों को मिक्स कर लेना है। चटनी मिक्सर में पीस कर लेके आऊंगी मैं। भजियों को चाकू की मदद से बीच में कट लगा लेके ग्राउंड नट्स, प्याज, कुतमेर भर लेके नींबू के साथ एंजॉय करना है। गरम गरम आलू के भजिया विद बेस्ट कॉम्बिनेशन चटनी के साथ तैयार है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।